20 से 25 हज़ार रुपए के प्राइस पॉइंट पर अभी तक ऐसा कोई फोन एग्जिस्ट नहीं करता था जो एक अच्छा स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस ऑफर करता हो, रिलायबल अपडेट्स मिल जाते हो उस फोन के अंदर और परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी हो। नथिंग फोन 2A के लॉन्च होने के बाद मार्केट में एक ऐसा फोन एग्जिस्ट करने लगा है और मुझे लगता है कि ये फोन बहुत कंपेलिंग चॉइस बन जाएगा काफी सारे लोगों के लिए इस नए प्राइस पॉइंट पर। लेकिन फिर आप सबके मन में ये डाउट तो चल ही रहा होगा, तो भाई कैच क्या है? अरे टेंशन मतलब, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नथिंग फोन 2A क्या आपको 20 से 25 हज़ार रुपए के प्राइस पॉइंट पे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और एकदम बेकार फोन है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस फोन के नेटवर्क और कनेक्टिविटी के बारे में बात करके। नथिंग फोन 2A में इंडिया में लगभग 13 5G बैंड का सपोर्ट है जो कि मेजर कैरियर्स एयरटेल, जियो, वोडाफोन इन सब में सपोर्टेड है। अब जिन एरियाज में 5G का नेटवर्क नहीं है वहां पे आपको 4G में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है नथिंग फोन 2A के अंदर। अब बात अगर डिजाइन की करी जाए तो यहाँ नथिंग फोन 2A में आपको वही सिमिलर यूनिक सा डिजाइन देखने को मिलता है नथिंग की तरफ से। ये लोग ट्रांसपेरेंट बैक ऑफर करते हैं जो कि इस कंपनी का अब एक सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। ग्लिफ लाइट्स की पोजीशनिंग थोड़ी सी अब चेंज करी गई है नथिंग फोन 2A के अंदर। ग्लिफ लाइट्स को आप यूज कर सकते हो नोटिफिकेशंस के लिए, कॉलर रिंगटोन सेट कर सकते हो अलग अलग ग्लिफ लाइट्स के हिसाब से, म्यूजिक के टाइम पे आप ग्लिफ लाइट्स को यूज कर सकते हो और कुछ एप्स के साथ भी सपोर्टेड है। कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, डुअल लेंस सेटअप है, वॉली की तरह लगता है थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एक चीज जो है जो इसके डिजाइन के बारे में बताए बिना रह नहीं सकता कि इसका जो बैक है ये प्लास्टिक बैक है और ये डस्ट मैग्नेट है भाई, बहुत ज्यादा डस्ट चिपकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पे एक फोन केस जरूर चढ़ा के रखना वरना इस पे डस्ट बहुत ज्यादा चढ़ेगी। प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं फील होता जितना नथिंग फोन 1 अपने टाइम पर होता था जब वो लॉन्च हुआ था। अच्छी बात यह है कि इस फोन को हाथ में पकड़ने में ग्रिप कंफर्टेबल रहती है, कर्व्ड डिजाइन है तो कोई ऐसी मेजर परेशानी नहीं आएगी आपको इस फोन को हाथ में पकड़ने में। तो ओवरऑल बिल्ड और डिजाइन के मामले में डिसेंट क्वालिटी प्रोडक्ट है, हाई एंड ज्यादा प्रीमियम मटेरियल्स नहीं यूज करे गए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फील होता है कि ये बजट वाला फोन ही है। डिस्प्ले की क्वालिटी की अगर बात करूं तो कुल मिलाकर नथिंग फोन 2A की डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया है। 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। LTPO डिस्प्ले आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा इस बजट में। पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स की मिल जाती है जो कि आउटडोर में आपको रीजनेबल परफॉर्मेंस दे देता है। बेजल्स भी इस फोन में थिन है तो ओवरऑल सिमेट्रिक डिजाइन आपको मिल जाएगा डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से। HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिल जाता है जिसकी वजह से आप जो ऐप सपोर्ट करती है HDR कंटेंट उन पे आप आराम से HDR में कंटेंट देख सकते हो। LTPO डिस्प्ले नहीं है तो रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं करेगा जिसकी वजह से बैटरी लाइफ में थोड़ा सा इंपैक्ट आपको फील हो सकता है, बट आई थिंक इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं महसूस हुआ मेरे को अपनी टेस्टिंग में। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो नथिंग फोन 2A परफॉर्मेंस के मामले में डिसेंट क्वालिटी का फोन माना जा सकता है। डायमेंसिटी 7200 का चिपसेट यहां देखने को मिलता है जिसका ऑनटू स्कोर लगभग 6-7 लाख के बीच में रहता है तो डेली टास्क और मल्टीटास्किंग हैंडल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस फोन के साथ। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस फोन को देखा जाए तो लाइट गेम्स और कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो इस फोन के साथ, लेकिन हैवी गेम्स खेलने जाओगे तो ज्यादा हाई सेटिंग्स पे गेम का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा मत एक्सपेक्ट करना। मेरी टेस्टिंग में फोन चलाते वक्त थोड़ा सा गर्म जरूर हुआ है लेकिन उतना अनकंफर्टेबल अभी तक मेरे को महसूस नहीं हुआ कि मैं बोलूं कि भाई हीटिंग का इसमें कोई मेजर इशू है। लेकिन आप बने रहना चैनल पर, मैं 30-40 दिन के बाद एक फिर से डिटेल्ड रिव्यू बनाऊंगा ताकि आप सबको मैं बता सकूं कि इसमें अगर कोई दिक्कत वगैरह मेरे को नजर में आ रही है तो। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इस फोन का सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से इस फोन का USP है क्योंकि यहां पर आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है, ब्लोटवेयर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा यहां पर। तो 20,000 के प्राइस पॉइंट पे अगर आपको ब्लोटवेयर वाले फोन लेने पड़ जाते थे पहले, आज की डेट में ये फोन फिर आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस रहने वाला है। OS काफी स्मूथ है, फ्लूइड है, बिल्कुल लैग वगैरह अभी तक मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ। नथिंग OS 2.5 एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड है, काफी मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन है UI का और कस्टमाइजेशन के भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। ऐप लॉन्चेस में और मल्टीटास्किंग में कोई लैग वगैरह महसूस नहीं हुआ मुझे अभी तक। नथिंग प्रॉमिस करता है कि अपने फोन को वो 3 साल तक एंड्रॉइड अपडेट देने वाला है और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देगा और फोन 1 और फोन 2 की हिस्ट्री देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये लोग ऑनर भी कर देंगे अपने प्रॉमिस को। अब कैमरा की अगर बात करूं तो नथिंग फोन 2A का कैमरा डेली यूजेज में डिसेंट परफॉर्म कर देता है। दिन में तो देखो इसका जो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है वो बढ़िया परफॉर्म करता है, लो लाइट में भी फोटोज वगैरह अच्छी निकल के आ जाती है, डिटेल्स तगड़े पकड़ लेता है। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ज्यादातर फोटोज वगैरह ही लेता है तो आप इस फोन से ज्यादा निराश नहीं होगे। लेकिन वही बात अगर मैं वीडियोस की करूं तो वीडियो बनाने के लिए यहां पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर से ली हुई फोटोज में आपको कलर्स वगैरह एक्यूरेट देखने को मिल जाएंगे। बाकी अल्ट्रा वाइड सेंसर की अगर मैं बात करूं तो वो भी अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट दे देता है लेकिन प्राइमरी सेंसर से कहीं ना कहीं वो लैग करता है थोड़ा बहुत। डुअल कैमरा सेटअप है रियर साइड पे तो कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो सेल्फीज वगैरह लेने के लिए फ्रंट कैमरा मेरे को अच्छा लगा। बाकी अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में टेस्टिंग कर रहा हूं नथिंग फोन 2A के कैमरा की, तो बने रहना चैनल पे, आगे थोड़े समय उस टॉपिक पे भी वीडियो आने वाला है तो बेल आइकन और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। स्पीकर क्वालिटी की बात करूं तो फोन में आपको डुअल स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है लेकिन एक स्पीकर ईयरपीस के पास है और एक स्पीकर नीचे बॉटम में है तो थोड़ा एसिमेट्रिकल सा साउंड लगता है। वॉल्यूम की लाउडनेस की अगर
बात करूं तो सफिशियंटली लाउड है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। ओवरऑल साउंड क्वालिटी डिसेंट है, बेस थोड़ा अगर हैवी होता तो ज्यादा मजा आता, बाकी मिड्स और हाइज अच्छे निकल के आते हैं इस फोन के आउटपुट में। नथिंग फोन 2 है, दो स्टोरेज ऑप्शन में आता है, एक 128GB और एक 256GB वाला। अगर आप ऐप और गेम्स बहुत ज्यादा डाल के रखते हो अपने फोन में तो 256GB वाला वेरियंट आपके लिए मैं रेकमेंड करूंगा। नथिंग फोन 2 में आपको बैटरी मिलती है 5000mAh की, जो कि आपको आराम से एक दिन से ज्यादा का बैकअप दे देती है। 45W की वायर चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप वायर चार्जिंग करते हो तो 0 to 100 जो है आप अंडर 1 आवर चार्ज कर सकते हो अपने फोन को फुल। तो नथिंग फोन 1 वाले यूजर्स अगर अपग्रेड करने का सोचे तो ये बात आपके लिए सोचने वाली रह जाएगी। तो भाई अब अगर बात करी जाए कि 20 से 25 हजार रुपए के प्राइस पॉइंट पे अगर आपको नथिंग की तरफ से ये फोन कंसिडर करना है तो मुझे लगता है ये फोन काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी है फॉर द फॉलोइंग रीजंस। एक तो आपको भाई ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, साथ में परफॉर्मेंस भी आपको एक अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। 6.5-7 लाख का ऑनटू स्कोर आपके डेली टास्क के लिए एकदम बढ़िया काम करने वाला है, प्लस कैमरा क्वालिटी भी डिसेंट है दोस्तों। तो एक एवरेज यूजर के लिए मेरे हिसाब से ये सब चीजें जो मैटर करती है वो नथिंग ने यहाँ पर सही करी हुई है। तो मेरे हिसाब से ये फोन आज की डेट में डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग है 20 से 25 हजार रुपए के प्राइस पॉइंट पे। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताओ नीचे। अगर अभी तक आपने मेरा ये बेस्ट फोन अंडर 25,000 वाला वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।